लगा और क्या कहेंगे यहाँ के इस आयोजन? अच्छा लगा आज, खास करके धीरज राय जी के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। आज समापन के दिन है, डांडिया का आज कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिए, इसके लिए विशेष तौर पर धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके समाज सेवा के तौर पर धीरज जी बहुत ही अच्छा हाजीपुर में काम कर रहे हैं और हम इनको आज धन्यवाद देने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए मैं इस आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। और सभी इनके साथी को, आयोजन के जितने भी समिति के जितने भी सदस्य हैं, सभी युवा साथी को धन्यवाद देता हूँ। और कार्यक्रम में इसी तरीके से समाज सेवा करते रहे, इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहे और आने वाले समय में सभी युवा के साथ हम लोग हैं। आज बिहार में हम लोगों का एक ही सोच है कि बिहार में युवा आगे बढ़े। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, हम खुद एक युवा हैं और हम चाहेंगे कि बिहार का युवा बिहार में रहे, उसको रोजगार यहाँ मिले, बिहार के युवा को बिहार में तरक्की मिले। यही सब सोच के लेकर पूरे बिहार में घूम रहे, युवा के बीच में जा रहे, क्योंकि कल का भविष्य धीरज जी जैसे लोग ही हैं, तो हम लोग सब मिलकर बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए आज से दोस्ती कर रहे तो ताकि ये दोस्ती और ये साथी कामयाब रहे, आगे भी हम लोग मिलजुल के इसी तरीके से काम हर समाज के हर दुख सुख में खड़ा रहे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ चिराग पासवान जी भी आए थे, उन्होंने हम लोग से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बयान दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के कंस हैं। जिस प्रकार से कंस ने अपने साथ भांजों की हत्या की थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए, उसी प्रकार नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई लोगों की राजनीतिक हत्या कर चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर ज्यादा विशेष बोलना जरूरी नहीं है। आपको भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चिराग जी का कितना अच्छा संबंध है, ये जग जाहिर है पूरे बिहार को। और सभी पार्टी बिहार में राजनीति कर रहे हैं, सभी पार्टी का अपना अपना विचारधारा है और सभी पार्टी का सोच है कि हम सत्ता में रहें। और जब सत्ता में रहते हैं तो सब अपने अपने अनुकूल काम करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी करेंगे वो जनता उनको निर्णय लेना है। और हर 5 साल में ऐसे नेता को परीक्षा होता है कि 5 साल में नेता ने क्या किया है। और नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से अगर बिहार की राजनीति में, भारतीय राजनीति में अगर टिके हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ विशेष अपना गुण है कि शादी होगा दुल्हा नीतीश जी ही रहेंगे। लेकिन आप किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं ये पूरे बिहार को पता है। तो खैर, इस पे मुझे ज्यादा ये नहीं देना क्योंकि उन लोगों का आपस का लड़ाई है। मैं तो कहूंगा कि विपक्ष का भूमिका निभाए, आप विपक्ष में हैं, बिहार में कहीं कमी है तो उसको आप उजागर करें। और इस तरीके से बोलना और इस तरीके से चलना ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। आप विपक्ष का भूमिका निभाइए और सरकार अगर कोई कहीं पे चुप कर रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया कि हमने 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, अगर इस पे सरकार खड़ा नहीं उतर रहे तो आपका हक और अधिकार है कि आप उनको विरोध करें। रहा कि पॉलिटिक्स में सब आदमी अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, 2020 का चुनाव जो था कि खास करके चिराग पासवान जी, उनका रणनीति ये नहीं था कि हम जीते, क्योंकि चुनाव में ये होता है कि रणनीति का हमें चुनाव जीतना है। उनका रणनीति था कि एक पार्टी को खत्म कर दे और उसके साथ साथ खुद भी खत्म हो जाना। मुझे लगता है ये राजनीति नहीं होना चाहिए था और उनसे बहुत बड़ा चूक हुआ है। उस चीज चूक को स्वीकार करें और जिंदगी में अपने लिए लड़ाई लड़े, अपने जीतने के लिए लड़ाई लड़े। और जब आप जीतेंगे तो स्वतः तो आपके विपक्ष में जो होगा वो चुनाव हारेंगे। तो आपको जीतने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, ना ही कि दूसरे को हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चिराग जी का चूक हुआ। आज रणनीति ऐसा है कि उनके परिवार के लोग उनके साथ नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो क्वालिटी है कि कम भी विधायक है लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं, सभी दल उनको समर्थन दे रहे हैं। तो जो जीता वही सिकंदर। तो आज मान लीजिए कि बिहार के सिकंदर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और मैं तो चाहूंगा कि चिराग पासवान जी हमारे अच्छे मित्र हैं, युवा हैं, बिहार को कल चलाएंगे। तो ऐसे सभी युवा को मैं चाहूंगा कि अपने अपने अनुकूल मेहनत करें, संघर्ष करें, हर जगह पे जाएं और सूझबूझ से काम करें, ना ही कि एक गुस्सा से हमें किसी को खत्म करना है तो उसके खत्म करने के चक्कर में हम खत्म हो जाए, ऐसी नहीं है। क्योंकि आज देखिएगा, चिराग पासवान जी को विरासत में राजनीति मिला, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको बना के दिया। आज धीरज जी जैसे या हमारे पास विरासत में राजनीति नहीं मिला, आज हम लोग संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचे। आपके पास जो विरासत मिला था वो विरासत को आप संभालिए, ना ही कि दूसरे के पीछे जाइए, आप मजबूती से आगे बढ़िए। धन्यवाद। राजनीति का जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक प्रदेश से बदल रहा है, लगातार
पिछली जब सरकार बनी थी तो राजद और जदयू की सरकार थी, उसके बाद फिर बीजेपी जदयू की सरकार हुई और बीच में ही टूट जाए, तो कहीं ना कहीं से तो बिहार को नुकसान होता है। और कुर्सी की बात जहाँ कही जाती है तो निश्चित तौर पर लोग जब कहते हैं कि कुर्सी कुमार है, तो नहीं लगता है कि बिहार पीछे रह गया, राजनीति आगे हो गई, कुर्सी आगे हो गई। निश्चित तौर पे आपने जो कहा है कि इससे राज्य में कभी भी अस्थिरता आएंगे और इस तरीके से चीजें होगा, तो कहीं ना कहीं बिहार का नुकसान है, इसमें कोई संशय नहीं है कि बिहार का नुकसान नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि परिस्थिति क्या है, अगर कोई तानाशाह हो गया तो उसको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे तो उसके साथ तो मैं भी था, उसने क्या किया, अपने सहयोगी के साथ, अपने सहयोगी की पार्टी को उन्होंने खत्म कर दिया, अपने विधायक को अपने में मिला लिया, आज उन्होंने भी किया, गलत किया। तो आप करो तो कहते हैं रास रिला और हम करें तो कैरेक्टर रिला, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी पहले गलती किया। और मैं तो मानता हूं कि बिहार में निषाद समाज का हाय लगा भाजपा को और इसलिए वो सत्ता से बाहर हुए और उनके सभी मंत्री है ना अग्निवीर बन गए, समय से पहले रिटायर हुए। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूं। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।